आज की मूवी का नाम है द क्राफ्ट 1996 और इस मूवी में हम जानेंगे एक स्पेशल पावर के बारे में जो लड़की के अंदर है बट वो रियलाइज नहीं करती है। तो कहानी में शुरू में हम सबसे पहले तीन लड़कियों को देखते हैं जो बैठी काला जादू कर रही थी। फिर हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर सैरा को दिखाया जाता है जो अपनी डैड और सौतेली माँ के साथ अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ रही थी। रास्ते में जाते हुए सैरा को बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। खैर अब ये जब अपने घर पहुँचती है सैरा अपने कमरे में जाती है और टेबल पर अपनी असल मॉम की तस्वीर रखती है। दरअसल इसकी असल मॉम इसको पैदा करते हुए ही मौत हो जाती है। अब जब सैरा अपने हॉल वाले कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक पागल आदमी जिसके पास सांप था वो वहाँ पर आकर सैरा को डरा रहा था, जिसे देख वो पूरी तरह से डर गई। अगले दिन सैरा अपने नए स्कूल जाती है जहाँ पर पहले दिन तो उसे काफी अजीब लग रहा था। इधर स्कूल में हम इन्हीं तीन लड़कियों को देखते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में जादू करते हुए देखा था। दरअसल ये तीनों विचेस थी, मतलब चुड़ैल, काला जादू किया करती थी, इसलिए यहाँ पर सब लड़के इनको विचेस कहकर बुलाते थे। तभी यहाँ पर उन तीनों विचेस में से एक विच जिसका नाम नैसी था वो अपने कैलेंडर देखती है और अपनी बाकी दो दोस्तों को ये बताती है कि आज के दिन हमें अपनी चौथी साथी मिलने वाली है जिससे हमारा ग्रुप पूरा हो जाएगा। जब क्लास में सैरा बैठी थी तो वहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ही गौर से देख रहा था क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी। अब वहीं पर नैसी की एक दोस्त ये नोटिस करती है कि सैरा बिना किसी सहारे से पेंसिल को खड़ा कर पा रही थी, मतलब उसके अंदर कोई तो ऐसी ताकत थी। लैब में जाकर नैसी सैरा से बात करने की कोशिश करती है पर वो उससे बात नहीं करती क्योंकि नैसी के कपड़े और उसका स्टाइल देखने में बहुत अजीब था। क्लास के बाद सैरा बाहर आकर बैठ गई थी, तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठता है जिसका नाम क्रिस था। ये वही लड़का था जो क्लास में सैरा को देख रहा था। बातों बातों में वो क्रिस को उन तीन विच के बारे में बताता है तो वो तीनों बहुत अजीब है। यहाँ पर क्रिस सैरा की सारी बातें को सुनकर यह बताता है कि वो तीनों बहुत खतरनाक है, उन तीनों को जादूगरनिया कहा जाता है, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। और उनमें से एक के जिस्म पर तो कहा जाता है कि बहुत ही अजीब निशान है। जाते हुए क्रिस सैरा को अपने फुटबॉल प्रैक्टिस मैच में आने को कहता है। जब सैरा वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर नैसी और उसकी बाकी दो दोस्त भी आ गई थी। वो वहाँ पर पहले तो सैरा से माफी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहती है। सैरा भी इनकी बात को मान जाती है। रास्ते में नैसी सैरा की बाजू पर निशान देखती है जिससे उसे पता चलता है कि सैरा ने खुद को कभी मारने की कोशिश की थी मगर वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। ये चारों अब ऐसी दुकान पर आते हैं जहाँ पर काले जादू का सामान मिला करता था। यहाँ पर इनमें से एक लड़की सैरा को एक किताब देती है कि वो चुपके से उसे बैग में रख ले, मतलब कि चोरी, मगर ऐसा करते हुए दुकान के मालिक ने देख लिया था। सैरा के पास आती है और आकर उसे बताती है कि वो एक नेचुरल विच, मतलब पैदाइशी जादूगरनी है। ये बात सुनकर सैरा भी काफी हैरान हो गई थी। जाते हुए सैरा को दोबारा से वही पागल आदमी दिखाई देता है जिसने सांप पकड़े हुए थे। यहाँ पर नैसी और उसकी दो दोस्त सैरा को उसे बताती है और अपनी जादू से उस आदमी का एक्सीडेंट करवा देती है। वो सैरा को लेकर एक जगह पर आ गई थी। यहाँ पर नैसी की एक दोस्त कहती है कि मैं जान चुकी हूँ तुम्हारी चौथी साथी सैरा है, हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है और अब हमारे मैनन को भी हमारे ऊपर ध्यान देना होगा। मैनन एक ऐसी ताकत थी जिसका पूजा ये विचेस किया करती थी और इनका मानना यह था कि वो ताकत हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर नैसी सैरा से पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई ख्वाहिश की है और वो फौरन से पूरी हो गई हो। सैरा उसे बताती है कि हाँ, एक बार मैं चाहती थी कि बारिश हो तब मेरे कमरे में पाइप हट गया और दूसरी बार तो ऐसा हुआ मैं सुकून में रहना चाहती थी जिसके बाद तीन दिन के लिए मैं बहरी हो गई, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। नैसी उसे कहती है हमें मैनन की आत्मा को बुलाना चाहिए, जिससे उन्हें लगता था कि उनके आने से उनके अंदर का खालीपन भर जाएगा और उनकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। सैरा जब नैसी की ये बातें सुनती है तो काफी परेशान हो गई थी, वो वहाँ से चली जाती है। उसे उनके साथ रहने में काफी अजीब लग रहा था इसलिए वो क्रिस के पास आकर बैठ गई थी। क्रिस यहाँ पर सैरा को अपने घर जाने को बोलता है, जिस पर सैरा को अब क्रिस अजीब लगने लगा था, वो उसे भी मना करके अपने घर आ गई थी। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तो उसके पास नैसी और उसकी दोस्त आती है जो आकर उसे रात के बारे में पूछ रही थी क्योंकि क्रिस ने पूरे स्कूल में सैरा के खिलाफ गलत बातों को फैला दिया था कि वह रात को उसके साथ थी। ये सब जानने के बाद जब सैरा क्रिस के पास जाती है तो वो उसे बिल्कुल भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था, क्रिस बदल चुका था। उधर नैसी की एक दोस्त जब पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रही थी तो वहीं पर एक लड़की उसके बालों का मजाक उड़ाती है। हॉस्पिटल में नैसी की दूसरी दोस्त के जिस्म पर निशान थे, वो निशानों को ठीक करने वाले हॉस्पिटल आई थी
वो अब अपनी सर्जरी करवा रही थी। उधर नैसी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, वो अपनी मॉम और सौतेले डैड के साथ रहा करती थी। अब उसकी डैड जो कि बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, उनके घर की बिजली भी काट दी जाती है क्योंकि उसके डैड ने बिजली के बिल नहीं भरे थे। या ये कहे कि नैसी की हालत बहुत खराब थे। सैना अपने घर में सोते हुए अपने पास्ट से जुड़े हुए सपने उसे आ रहे होते हैं। अब अगले दिन नैसी और उसकी दोस्त सारा को अपने साथ एक ट्रिप पर चलने को कहती है। सारा भी मान गई थी, ये चारों मिलकर जंगल में आ गए थे। ये यहाँ पर आकर अपने खून के बूंदे वाइन में मिक्स करके पीती है। ये भी इनका एक जादू था। इन्होंने इस वाइन को पीने से पहले एक विश को सोचा था जिससे जो कि इनके दिल में होगा वो पूरा हो जाएगा, यानी कि इनकी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। नैसी कि एक दोस्त उस लड़की से बदला लेना चाहती थी जो उसके बालों का मजाक उड़ा रही थी। सैरा क्रिस से बदला लेना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो उसके प्यार में पागल हो जाए। नैसी की दूसरी दोस्त जिसके जिस्म पर निशान थे, वो चाहती थी कि उसके निशान जल्दी ठीक हो जाए। जबकि नैसी अपने अंदर मैनन की ताकत को चाहती थी। अब उनके वाइन पीने के बाद उनके पास बहुत सी तितलियां आती है जो कि उन्हें मैनन की इशारा लगती है। अगली सुबह जब ये स्कूल आती है तो क्रिस सैरा को ही देख रहा था और तो और उसकी दोस्तों की किताबों को भी उठा लेता है, जिस पर क्रिस के दोस्त उसका बहुत मजाक बना रहे थे। यानी कि इसका मतलब यह था कि सैरा ने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। अब रात हो चुकी है, सैरा और नैसी अपनी उस दोस्त के घर पर रुकती है जिसके जिस्म पर निशान थे। सैरा यहाँ पर इन तीनों को उंगली वाले जादू के बारे में बताती है। अब ये जादू तीनों अपनी एक दोस्त पर करती है। उन्होंने उंगलियों की मदद से अपनी दोस्त को हवा में उठा लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ सैरा की भी नैसी के ग्रुप के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सैरा स्कूल में उस लड़की के एक बाल को तोड़ती है जो नैसी की दोस्त थी। उसके बालों का मजाक बनाया था, जो उसके बाल को नैसी की उसी दोस्त के बालों के साथ बांधकर जादू करती है, जिससे अब यह होता है कि जिस लड़की के बाल सैरा ने तोड़े थे वो जब स्विमिंग करती है तो बेचारी के बाल झड़ना शुरू हो गए थे। उधर वो दोस्त जिसके जिस्म पर निशान थे, वे मैनन से अपने उन निशानों को ठीक करने को कहती है। उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। डॉक्टर भी उसको ऐसा ठीक होते देखकर हैरान हो रहे थे। वो ठीक होकर स्कूल में अच्छे से कपड़े पहनकर जाती है, जहाँ पर सभी उसे अब बात भी करते हैं और उसे पसंद भी करने लगते हैं। सैरा और नैसी की बाकी दो दोस्तों बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी थी। मगर नैसी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी विश अभी पूरी नहीं हुई थी, जो कि मैनन की ताकत को वो हासिल करना चाहती थी। रात को नैसी के डैड जब घर पर आते हैं तो वो उसकी मॉम को बहुत मार रहे थे। ये देखकर नैसी को बहुत गुस्सा आता है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया था। जब एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसकी डैड की मौत हो जाती है। नैसी की डैड की मौत के बाद एक इन रेड एजेंट उनके घर पर आ जाता है, जो कि अब बताता है कि उसके सौतेले डैड ने उनके लिए बहुत से पैसे को छोड़ा है। ये सुनकर तो नैसी और उसकी मॉम बहुत खुश हो गई क्योंकि उनके हालत सवर गए थे। इन पैसों से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत घर को भी खरीद लिया था। नैसी अब सैरा और अपनी बाकी दो दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें नई जादू के बारे में बताती है, जिससे अब किसी का भी रूप ले सकती थी। इधर सैरा भी उन्हें अपना एक जादू दिखाती है जिसमें वो अपने बालों का रंग बदल सकती थी। जब रात को सैरा अपने घर में सो रही होती है तो वहीं पर क्रिस आता है, जो उसके प्यार के जादू में फंसा हुआ था। वो आधी रात को उसके घर के बाहर आ गया था, जो कि अब बताता है कि वो उसके अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहा। सैरा उसकी कोई बात नहीं सुनती और अंदर चली गई थी। अगली सुबह ये उसी दुकान पर जाती है जहाँ पर काले जादू का सामान मिला करता था। सैरा उस दुकान के मालिक से पूछती है, क्या कोई ऐसा सामान है जिसे जादू को उल्टा किया जाए, यानी कि जो हमने जादू किया है उसे ठीक कर सके। वो दुकान की मालिक मना कर देती है और कहती है, नहीं ऐसा कोई सामान नहीं है क्योंकि आप जो जादू एक बार करते हो उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। वहीं पर दुकान से नैसी भी आत्मा को बुलाने की किताबें को खरीद लेती है और अब ये चारों समंदर के किनारे जाती है जहाँ पे मैनन को बुलाने के लिए जादू करने वाली थी। अब जब सब मिलकर इकट्ठी होकर मंत्रों को पढ़ती है तो उधर ही एकदम बिजली नैसी के ऊपर आकर गिरती है। सुबह को जब ये उठती है तो देखती है कि नैसी समंदर के पानी में चल रही थी, यानी कि मैनन की आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर बहुत से जानवर भी मर गए थे, जो देखकर सैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सैरा किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। रास्ते में नैसी जब गाड़ी चला रही थी तो वो सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को अपनी ताकत से खत्म करती है। इन सब चीजों से सैरा बहुत परेशान हो चुकी थी, तो वो नहीं चाहती कि नैसी अपने जादू से किसी का भी गलत करे या फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाए। रात को सैरा के पास क्रिस का फोन आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। सैरा उसे बहुत समझाती है पर वो उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था, वो सैरा के साथ बदतमीजी करने लगता है। सैरा अब जल्दी से नैसी और उसकी दोस्त के पास जाती है, जो जाकर उन्हें यह बताती है कि क्रिस की आंखें काली पड़ चुकी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस नहीं जैसे कोई और हो। ये सुनकर नैसी अब जल्दी से क्रिस के पास जाती है, जो कि एक पार्टी में था। सब पार्टी में देखकर नैसी को परेशान हो गए थे क्योंकि सब उसके बारे में जानते थे कि वो एक विच है। अब वो क्रिस को एक कमरे में ले आई और सैरा की शक लेकर उसके साथ मिलने की कोशिश करती है, मगर तभी उधर सैरा भी आ गई थी। यहाँ पर क्रिस को भी पता चल गया था कि नैसी वाकई में एक विच काली जादू करने वाली है। वो उसे यह कहता है कि तुम अब सब इसलिए कर रही हो ना
मैं जानता हूँ तुम सैरा से जलती हो। ये सुनकर नैसी को गुस्सा आ गया था। वो क्रिस को खिड़की से धक्का दे देती है जिससे बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये देखकर सैरा इन सब चीजों का कसूरवार खुद को समझ रही थी। वो इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके डैड उसे संभालने की भी कोशिश करते हैं मगर वो अकेले रहना चाहती थी। अगले दिन वो नैसी की तस्वीर को रिबन से बांध रही थी। वो एक जादू कर रही थी ताकि वो नैसी को किसी को भी नुकसान पहुंचाने से रोक पाए। रात को सैरा देखती है कि नैसी और उसकी दोस्त चुड़ैल के रूप में उस पर हमला करने आ रहे हैं। जब वो नींद से जागती है तो यह सिर्फ उसका एक डरावना सपना होता है। अब वो उसी दुकान के मालिक के पास जाती है जिसके पास काले जादू की चीजें थी। वो उस औरत से मदद चाहती थी। वो सैरा की सारी बातें सुनकर अपनी दुकान की एक खास जगह पर उसको लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम भी एक विच थी, एक जादूगरनी थी। उनके साथ भी जरूर कुछ गलत हुआ होगा जिससे उनकी मौत हो गई। वो औरत भी सैरा को मैनल को बुलाने को कहती है। जब ये दोनों मिलकर जादू करती है तो अचानक से जोरदार धमाका होता है जिससे सैरा डर जाती है और भागकर अपने घर आ गई थी। जब ये अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी डैड और सौतेली मॉम भी अपने पुराने शहर आ चुके थे मगर जिस प्लेन में वे जा रहे थे उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एक भी मुसाफिर नहीं बचता। यह सब सुनकर सैरा बहुत दुखी हो गई थी। उसे अब हर तरफ कीड़े नजर आने लगते थे। सैरा के घर पर नैसी और उसकी दोस्त भी आ जाती है जो उसे मारना चाहती थी क्योंकि उन्हें वे अब अपने लिए खतरा लग रही थी। नैसी सैरा की दोनों कलाइयों को कट करने लगती है जिससे फोन आने लगता है। ये देखकर सैरा जल्दी से कमरे में जाती है। अब यहाँ पर वो मैनन से मदद मांगती है। तभी नैसी की दोनों दोस्तों के साथ गलत होना शुरू हो गया था। एक के तो बाल ही उतर जाते हैं और दूसरे के निशान वापस आ गए थे। वे दोनों तो अपनी ऐसी हालत देखकर डर गई थी और वहाँ से भाग जाती है। उन दोनों के भाग जाने के बाद नैसी अकेली सैरा के पास आती है। तभी नैसी को भी सैरा की तरह हर जगह पर सांप और कीड़े नजर आने लगते थे। यहाँ पर नैसी जब सैरा पर हमला करती है तो सैरा भी जवाब में उस पर हमला करती है। इस लड़ाई में सैरा जीत गई थी क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर थी। सुबह को नैसी की दोस्त सैरा से माफी मांगने आई थी क्योंकि उन्हें अभी भी शक था कि सैरा के पास मैनन की ताकत है। अब सैरा अपनी आंखों के इशारों से रक्त को गिरा देती है तो उन्हें उस पर यकीन हो जाता है। साथ ही सैरा को यह पता चलता है कि उसके डैड भी बिल्कुल ठीक है। उनके मरने की खबर भी नैसी का एक जादू था। कहानी के आखिर में नैसी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। यह सब कुछ उसके साथ सैरा के जादू की वजह से हो रहा था। असल में मैनन ने सैरा को अपनी ताकत दे दी थी और नैसी उनकी दोस्तों से उनकी सभी ताकतों को वापस ले लिया था क्योंकि वो अपनी इन ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इनमें सिर्फ एक सैरा ही थी जो किसी के साथ कभी गलत होने नहीं देना चाहती थी, यानी कि वो एक अच्छी विच, एक अच्छी जादू करने वाली थी। और इसी के साथ ही द क्राफ्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।